नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्रीकांत कुमार, आप देख रहे टू जेट प्रोसेस। आज हम बात करने वाले इस वीडियो में दोस्तों, पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक करने का डेट फिर से बढ़ा दिया गया है। और दोस्तों, अगर अभी तक आप पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं किए हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई भी किया जाएगा और साथ में आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। तो दोस्तों, जुर्माना देने से बचने के लिए सबसे पहले आपको पैन कार्ड को चेक करना होगा कि मेरा आधार कार्ड के साथ लिंक है या नहीं। अगर लिंक नहीं है तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं ऐसा तरीका बतलाने वाला हूं जो आप 2 मिनट में पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो हम शुरू से लेकर अंत तक बतलाने वाला हूँ, तो आज इस वीडियो के अंत तक बने रहना, वीडियो का स्किप नहीं करना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले, मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक करने के लिए सबसे पहले जो है कि अपना किसी एक ब्राउजर को ओपन कर लेना होगा इस तरह से, और ब्राउजर में टाइप करना होगा ई फिलिंग। इस तरह से आपको जो है कि टाइप करना होगा ई फिलिंग। टाइप करने के बाद जो है कि आपको सर्च के बटन पे आपको क्लिक कर देना होगा इस तरह से। क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर में जो लिंक दिख रहा है इनकम टैक्स, इस लिंक पे आपको क्लिक करना होगा इस तरह से। उसके बाद देखिए दोस्तों, भारत सरकार का ऑफिशियल वेबसाइट यहां पर ओपन हो जाता है, और इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने से पहले जो है कि आपको स्टेटस को चेक कर लेना होगा कि आपका पैन कार्ड जो है कि आधार कार्ड के साथ लिंक है या लिंक नहीं है। तो चेक करने के लिए सबसे पहले जो है कि आपको इस तरह से नीचे आना है, और यहाँ पे देखिए दिया गया है थर्ड वाले ऑप्शन पे दिया गया है लिंक आधार, इस पर आपको क्लिक करना होगा इस तरह से। देखिए उसके बाद देखिए दोस्तों, इस तरह का पेज यहाँ पे ओपन हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए हेडलाइन में आपको देखने के लिए मिलेगा लिंक आधार स्टेटस। तो सबसे पहले जो है कि पैन कार्ड जो है कि आपको इस बॉक्स में पैन नंबर को टाइप कर लेना होगा, और उसके बाद जो है कि इस बॉक्स में आधार नंबर को टाइप कर लेना होगा। तो चलिए पैन नंबर और आधार नंबर को टाइप कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे जो है कि पैन नंबर और आधार नंबर को टाइप कर लें। टाइप करने के बाद जो है कि आपको एक ऑप्शन यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा व्यू लिंक आधार स्टेटस। तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए इस तरह से यहाँ पर नोटिफिकेशन मिल जाता है आपको देखने के लिए, यानी स्टेटस जो है कि इस तरह से ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए बताया गया है, यहाँ पे बताया गया कि पैन नॉट लिंकेड विथ आधार, प्लीज क्लिक ऑन लिंक आधार, लिंक टू लिंक योर आधार विथ पैन। यानी कहने का मतलब है कि आपका पैन कार्ड जो है कि आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं है। तो दोस्तों, लिंक करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, फिर से आपको होम पेज पर चले आना होगा इस तरह से। देखिए तो दोस्तों, इसी पेज पर आपको चले आना है, और इस पेज पर देखिए आने के बाद जो है कि यहाँ पे देखिए सेकेंड में ऑप्शन दिया गया है लिंक आधार का, इस लिंक पे आपको क्लिक करना होगा इस तरह से। देखिए और दोस्तों, एक चीज़ और हम आपको बतला देते हैं, अगर आप पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं करते हैं तो आपके ऊपर जो है कि आपको कार्रवाई भी किया जाएगा और जुर्माना भी देना पड़ जाएगा। तो दोस्तों, जितना जल्दी हो सके जो है कि अपना पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक कर लीजिए, जो हम आपको इस वीडियो में बतलाने वाले हैं कि किस तरह से जो है कि पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह के यहाँ पे देखिए एक पेज यहाँ पे ओपन हो जाता है, और यहाँ पे देखिए हेडलाइन में लिखा हुआ है लिंक आधार। तो सबसे पहले आपको लिंक आधार जो है पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए सबसे पहले इस फॉर्म को फिलअप करना होगा। तो क्या क्या आपको इस फॉर्म को फिलअप करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए अपना पैन नंबर को इस बॉक्स में फिलअप कर लेना है, उसके बाद ये इस बॉक्स में अपना आधार नंबर को टाइप कर लेना होगा, और उसके बाद जो भी आपके आधार कार्ड पे नाम लिखा हुआ है उस नाम को आपको इसमें लिख लेना होगा, और उसके बाद इस बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर को टाइप कर लेना होगा। तो चलिए पहले हम आधार नंबर और पैन नंबर और नाम और मोबाइल नंबर को टाइप कर लेते हैं, उसके बाद जो है कि आगे प्रोसेस आपको दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे पैन नंबर और आधार नंबर और जो भी आधार कार्ड पे नाम लिखा हुआ था वो नाम को टाइप कर लिया, उसके बाद मोबाइल नंबर को भी टाइप कर लिए, और यहाँ पे देखिए 2 बॉक्स दिया गया है। तो इस बॉक्स में आपको कब टिक आउट करना होगा, जब आधार कार्ड में आपका खाली बर्थ खाली रहेगा, यानी आपका ईयर्स जो दिया हुआ, जैसे आपका जन्मतिथि है 2000 का, यानी 13 अगस्त 2000 का आपका है, 13 अगस्त 2000 का है, तो उसमें आपका खाली अगर आधार कार्ड पर शो कर रहा खाली 2000, तो इस बॉक्स को टिक आउट कर देना होगा। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ जो है कि पूरा आपका दिखाई दे रहा है आपको आधार कार्ड में, तो आपको इस बॉक्स पर टिकआउट नहीं करना है, और आपको क्या करना होगा, इस बॉक्स पर छोड़ देना है और इस बॉक्स पर टिकआउट कर देना होगा। तो चलिए हम इस बॉक्स पर टिकआउट कर देते हैं,
और उसके बाद जो है कि यहाँ पे देखिए लिंक आधार का एक बटन दिया गया है, लिंक आधार के बटन पे आपको क्लिक करना होगा इस तरह से देखिए। और उसके बाद देखिए दोस्तों, अब जो भी मोबाइल नंबर आप टाइप किए हैं उस नंबर पर एक ओटीपी को सेंड किया जाता है और उस ओटीपी को आपको इस बॉक्स में फिलअप कर लेना होगा। तो चलिए पहले हम ओटीपी को टाइप कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे जो है कि ओटीपी को फिलअप कर लिए। फिलअप करने के बाद जो है कि आपको यहाँ पर देखिए वैलिडेट का ऑप्शन दिया गया है, वैलिडेट के बटन पर आपको क्लिक करना होगा। तो चलिए वैलिडेट के बटन पर क्लिक करते हैं इस तरह से देखिए। क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है कि नोटिफिकेशन इस तरह से यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाता है और यहाँ पे देखिए बताया गया है कि आपका जो है कि पैन कार्ड जो है कि पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक कर दिया गया, यानी रिक्वेस्ट यहाँ पे सेंड कर दिया गया है। यहाँ पे देखिए इस तरह से रिक्वेस्ट चला गया है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है कि आपको यहाँ पे कुछ टाइम ले लिया जाएगा। पहले जो था नियम कुछ अलग, पहले जो है कि यहाँ पे लिंक करते थे तो तुरंत यहाँ पे लिंक हो जाता था, पर अब यहाँ पे थोड़ा कुछ टाइम लगता है। तो दोस्तों स्टेटस कैसे चेक किया जाता है, स्टेटस भी हम आपको चेक करके दिखा देते हैं। तो सबसे पहले जो कि आपको होम पेज पर चले आना होगा, फिर से आपको इस तरह से देखिए और यहाँ पे देखिए थर्ड वाला जो ऑप्शन दिख रहा है, थर्ड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा, इस तरह से क्लिक करना होगा। और दोस्तों क्लिक करने के बाद जो है कि देखिए इस तरह का पेज यहाँ पे ओपन हो जाता है। तो सबसे पहले जो है कि इस बॉक्स में अपना पैन नंबर को टाइप कर लेना होगा और इस बॉक्स में अपना आधार नंबर को टाइप कर लेना होगा। तो चलिए हम टाइप कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया। टाइप करने के बाद यहाँ पर देखिए व्यू लिंक आधार स्टेटस का बटन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा। तो चलिए हम क्लिक करके यहाँ पर चेक कर लेते हैं स्टेटस। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस तरह से स्टेटस जो है इस तरह से यहाँ पर देखने के लिए आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर देखिए आपसे कहा जा रहा है कि जो है कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए जो है रिक्वेस्ट भेजा गया है, आपको यहाँ पे है कि थोड़ा आपको वेट करना होगा। और दोस्तों आपको एक चीज़ और बता देते हैं, जो कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने का जो डेट है वो 30 सितंबर तक कर दिया गया है। तो दोस्तों 30 सितंबर से जो कि पहले आप लिंक करवा लीजिए या फिर कर लीजिए खुद से अपने मोबाइल से। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर लीजिएगा।